आज हम सभी क्या है पिछड़े समाज के टिब्बी के जनप्रतिनिधि महोदय और तमाम हमारे मूल ओबीसी के जागरूक साथियों ने पीएम के नाम उपखंड अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देकर के ये सरकार को चेताया है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जब इस देश के अंदर संविधान का राज है और संविधान को सभी लोग मानते हैं, तो संविधान के अंदर जब ये प्रारूप ये व्यवस्था की गई है भी सभी जातियों की जो है जनगणना होनी चाहिए और जिन जातियों के लिए जो प्रावधान संविधान में किए हैं, जैसे ओबीसी के लिए 340 धारा का प्रावधान किया गया है मगर उसकी जो सिफारिशें हैं उनको आज तक इस देश के अंदर लागू नहीं किया। जब इस देश के अंदर आयोग सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और आयोग जो रिपोर्ट देते हैं, जिस प्रकार केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 9वें प्रतिवेदन में कहा गया है भी हर राज्य सरकार को यह क्या वर्गीकरण का अधिकार है, तो उसे आयोग के ही निर्देशों को सरकार पालना क्यों नहीं कर रही। इसलिए हमारी मांग है कि 2011 की जो जनगणना सरकार ने करवाई थी उसको सरकार लागू करे और 2021 में जो जनगणना करवाने जा रही है उसके अंदर ओबीसी का कॉलम छोड़ा जाए और एक हमारे ऊपर है संवैधानिक रूप से क्रिमिनलर को लाद दिया गया है, जिससे हम सभी को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है ओबीसी समाज के लोगों को। इसलिए हमारी मांग है कि उसकी जो बीपी शर्मा की रिपोर्ट है उसको खारिज करके माननीय गणेशी लाल जी की जो रिपोर्ट है संसदीय उसको हमारे पक्ष में निर्देशित किया जाए और हमारे लोगों को जो राजस्थान की मांग है कि हमें पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो कैटराइजेशन का काम है, जो 2001 की जो रणवीर साइब्रम आयोग की रिपोर्ट है उसको हमारे पक्ष में लागू करवाया जाए। तो ऐसी तमाम हमारे मुख्य जो बातें हैं उन सभी के बारे में सरकार को हमने बार बार चेता रहे हैं और पिछड़े समाज की भरपूर मांग है कि इन मांगों पर जल्द से जल्द सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा ओबीसी जो है अपने हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर होगा।